अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा। आज हम इंग्लिश की कॉपी का काम करेंगे। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं और देखते हैं हमने आज कौन सा पेज नंबर करना है। आज हम करेंगे पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48। पहले पेज नंबर 47 कर लेते हैं। काम लिखने से पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले मतलब कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले क्या लिखते हैं पेज पर, डेट। आज क्या डेट है, 3rd September 2020। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैच द सेम साउंड, मतलब एक जैसे साउंड को आपस में मिलाना है। फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, कहने पहला वाला आपके लिए उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साउंड बना हुआ है, एह। कौन सा साउंड बना हुआ है, एह। इन्होंने एह को किसके साथ मैच किया है, एह को एह के साथ ही मैच किया, ठीक है। दोनों सेम थे तो उनको आपस में मिला दिया। इसके बाद ये क्या बना हुआ है, ग। क्या बना हुआ है, ग। कौन सा साउंड है, ग। अब इस लाइन में देखें ग कहाँ बना हुआ है, क्या ये ग है, नहीं। क्या ये ग है, नहीं। क्या ये ग है, ये बिल्कुल सेम है ना इसके जैसा ग, तो हम इसको मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद ये बना हुआ है ड। क्या बना हुआ है, ड। तो देखेंगे इस लाइन में ड कहाँ है, क्या ये ड है, ये ड है ना, ये भी ड है, ये भी ड है, एक जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सही से लाइन लगाकर मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये ई है, ठीक है। अब दूसरा ई आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये हमने तीन तो मैच कर दिए, ये तो ई नहीं है, ये ई है, ठीक है। ये दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद ये है ज, और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ज। तो इन दोनों ज को आपस में मिला देंगे, ठीक है। सिंपल, एक जैसे साउंड को आपस में मिलाना है। पेज नंबर 47 हमने कर लिया। इसके बाद पेज नंबर 48। सबसे पहले डेट लिखेंगे, क्या डेट है, 3rd September 2020। यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस ए टू ज, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सब साउंड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डॉट दिए हुए हैं, उसके साथ एरोज दिए हुए हैं, वो हमने खुद लिखना है इन लाइंस के ऊपर, ठीक है। ए ब ख ड एह फ ग ह ई ज, ठीक है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी लिख लिख के, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए। देखा कैसे लिखा मैंने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसको नीचे लेके गई और साइड से मोड़ दिया। उसके बाद ब, ब के बाद ख, ऐसे, ठीक है, मोड़ कर। ख के बाद ड, ड के बाद एह, दरमियान की टू लाइंस में लिखा, ठीक है, टू ब्लू लाइंस में। फिर से लिखेंगे ए ब ख ड एह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फ, कैसे, डॉट से शुरू करना है, मोड़ के ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और फिर ब्लू लाइन से ऊपर एक छोटी सी लाइन। फ ग ह ई, ठीक है, ई के ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसके बाद ज, ज के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है, ठीक है। फिर से लिखेंगे फ ग ह ई ज, ठीक है। हमने ज तक लिख लिया, ये आपने पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। हमने पहले समझा हुआ है किस तरीके से मोड़ कर कैसे कैसे लिखना है। आज हमने पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।